नमस्कार वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। करीब 8 लाख विद्यार्थियों का इंतजार खत्म हो गया है। मध्य प्रदेश बोर्ड ने 12वीं परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। राज्य के शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने परिणाम की घोषणा की है। 100% छात्र इस बार पास हुए हैं। विद्यार्थियों का मूल्यांकन कर रिजल्ट एक फॉर्मूले के आधार पर तैयार किया गया। तो चलिए आपको बताते हैं कि मूल्यांकन के लिए किस फॉर्मूले को आधार बनाया गया। 10वीं के सर्वश्रेष्ठ 5 विषयों के अंकों को पहला आधार बनाया गया। इसके लिए 10वीं के विषयों का 12वीं कक्षा में आने वाले विषयों के अनुसार मूल्यांकन किया गया। इस फॉर्मूले में विषयों को 6 श्रेणियों में बांटा गया। खास बात यह है कि रिजल्ट में किसी भी विद्यार्थी को फेल नहीं किया जाएगा। अगर कोई विद्यार्थी इस मूल्यांकन से संतुष्ट नहीं होता है तो MP बोर्ड उसे अपने नंबर सुधारने के लिए परीक्षा देने का मौका भी देगा। 12वीं के लिए ये परीक्षा 1 से 25 सितंबर तक आयोजित की जाएगी। इसके लिए 10 अगस्त से नामांकन शुरू होगा। इस साल कक्षा 12 की परीक्षा के लिए लगभग 8 लाख छात्रों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया था। अप्रैल में होने वाली परीक्षाएं देश भर में कोरोना वायरस महामारी के कारण राज्य सरकार ने रद्द कर दी थी। इस बार 12वीं में 52% विद्यार्थी फर्स्ट, 40% सेकेंड और 7% विद्यार्थी थर्ड डिविजन से पास घोषित किए गए। वहीं साल 2020 में 12वीं में 2,77,750 स्टूडेंट्स फर्स्ट डिवीजन से पास हुए थे। वहीं 1,61,544 छात्र सेकंड डिवीजन में पास हुए थे। इसके अलावा 14,704 विद्यार्थी थर्ड डिवीजन में पास घोषित किए गए थे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।